बहादुरगढ़ से खबर, जहां किसान आंदोलन का 20वां दिन है और लगातार आंदोलन आगे बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं भी डटी हुई हैं, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है, जहां पर बुजुर्ग महिलाएं भी इस आंदोलन में पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं और कृषि कानून वापस होने तक वो घर नहीं जाएंगी। उनका ये सीधे सीधे कहना है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़क पर आए हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये तस्वीरें साथ ही साथ जानकारियां जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल जानकारी सामने आ रही है जहां पर बुजुर्ग महिलाएं अपना साथ इस पूरे आंदोलन को देते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दरअसल किसान आंदोलन का 20वां दिन है, बहादुरगढ़ से ये तस्वीरें हैं जहां पर महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हम उनके भविष्य को देखते हुए ये पूरा आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं और आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं भी डटी हुई हैं, सड़क पर ही वो स्वेटर बुन रही हैं बुजुर्ग महिलाएं। ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं और विरोध जाहिर कर रही हैं सरकार के इस कदम पर, जहां पर 3 कृषि कानूनों को ये इस आधार पर लेकर के सरकार आई है कि इससे किसानों को फायदा मिलेगा, किसानों के हित के लिए ये 3 कानून हैं। ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੜਕ ਪਰ ਠੰਡ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜੀ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਪੜਿਆਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੰਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਸਪਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।